खबर चमोली से भव्य और दिव्य स्वरूप में निकले श्री राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा। जनपद चमोली के नारायण बगड़ में आज राम नवमी के शुभ अवसर पर श्री राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा समिति के तत्वाधान में कन्या पूजन के साथ चैत्र नवरात्रों का समापन समारोह विधि विधान पूर्वक किया गया। रामनवमी के अवसर पर यहां पहली बार भव्य कलश यात्रा के साथ श्री राम जन्मोत्सव की दिव्य और भव्य झांकी निकाली गई। झांकियों के रथ कल बुधवार रात आज प्रातः काल से ही सजाने पर लगे रहे। झांकियों में नवदुर्गा की झांकी, शिव पार्वती की झांकी, श्री राम दरबार की झांकियों को शानदार तरीके से सजाया गया था। आज सैकड़ों स्थानीय महिलाओं, पुरुषों और व्यापार मंडल ने श्री राम जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाने में शोभा बढ़ाई। प्रातः लगभग 10 बजे लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मंदिर परिसर से शुरू हुई कलश यात्रा नवदुर्गाओं व राम दरबार की भव्य झांकी प्रेम मार्केट से परखाल तिराहे जीत सिंह मार्केट होते हुए कमलेश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जहां भजन कीर्तन करते हुए राम भक्तों ने श्री राम जन्मोत्सव मनाया। भजन कीर्तन के बाद आरती करने के बाद सभी भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। सहयोग से हमने यहाँ पे श्री राम शोभा यात्रा की एक समिति बनाई और उसमें सभी लोगों का, गांव का, महिलाओं का, व्यापारियों का, सभी का सहयोग लिया गया और भव्य राम शोभा यात्रा की एक महीने से लगभग तैयारी चल रही थी और हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत ही मेहनत उसके लिए की कि झांकी निकले। और जब भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ तो लोग जन्म उत्सव को क्यों ना भव्य रूप से मनाएं, इसलिए कार्यक्रम हम सब लोगों ने किया कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे आराध्य देव हैं, उनकी भव्य झांकी निकले और सब में समानता की भावना हो, एकता की भावना हो, आपस में प्रेम भाव की भावना हो, इसी को ध्यान में रखते हैं यह झांकी निकाली गई। विश्व के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, क्षेत्र के कल्याण के लिए हम लोगों का एक ही ध्येय है कि सबका कल्याण हो, सबका साथ हो और सभी लोग जो है फले फूले। और भगवान श्री राम तो आराध्य देव हैं, वो सभी को निश्चित रूप से वरदान देते हैं और हम यहाँ पे जो है श्री राम, हनुमान, लक्ष्मण जी हैं और माँ भगवती के नौ रूपों का भी यहाँ पे झांकी में दिखाया गया है और भोलेनाथ की झांकी भी यहाँ पे निकली और काफ़ी जो है लोगों का अपार सहयोग और श्रद्धा लोगों की बनी हुई है। और यह झांकी जो है लक्ष्मीनारायण मंदिर से सुबह प्रारंभ हुई 10 बजे और इस समय हम जो है कमलेश्वर महादेव मंदिर में, हैं। यहाँ पे जो है भजन कीर्तन आरती चल रही है, आरती होने के पश्चात प्रसाद वितरण होगा और सबसे बड़ी चीज़ कि हमने पहाड़ी व्यंजन कुदे की खीर, वो झंगोरे की खीर को यहाँ पे जो है प्रसाद के रूप में रखा है कि जो भगवान को जो है बहुत ही प्यारा है और सभी लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे और उसके बाद ही अपने घरों को जाएंगे, भगवान सबका कल्याण करें। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र नेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।